आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? ऐसा तो नहीं कि आप मोहम्मद रफी हैं कि आपकी आवाज को सब जान जाएगा? परिचय देना चाहिए। मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है माननीय तेजस्वी यादव जी। अपने नंबर से आप नहीं बात करते, अपने निजी सहायक के मोबाइल से बात करते हैं। क्या आपके मोबाइल में जैमर लगा हुआ है? नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल खुद पटना के इको पार्क और गर्दनी बाग में जाकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के मांगों का समर्थन किया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अधिकारियों से बातचीत कर प्रदर्शनकारियों के लिए धरना स्थल की परमिशन भी मंगवाई। लेकिन इसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने बॉडीगार्ड और उनके वेपन्स के साथ ही पटना के इको पार्क में चले गए थे। जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी यादव पर इसको लेकर बड़ा हमला बोला है। साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव को पढ़ लेना चाहिए कि इको पार्क के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा है कि आप वेपन्स के साथ इको पार्क में नहीं जा सकते, यहां वेपन्स लेकर जाना सख्त मना है। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव चले तो गए। उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों के मांगों का समर्थन भी किया, साथ ही अधिकारियों से फोन पर बातचीत भी की। लेकिन जरा सबसे पहले आप सुनिए किस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल रहे हैं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, यह सही है कि माननीय जगता बाबू, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी जैसे लोग, माननीय जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग, माननीय ललित यादव जैसे लोग, जिनकी वरीयता आपसे ज्यादा थी, राजनीतिक अनुभव ज्यादा था, लेकिन एक खास परिवार में जन्म लेने के कारण आप विपक्ष के नेता के रूप में नवाजे गए हैं। संघर्ष की बुनियाद पर आपने कोई राजनीति की आधारशिला नहीं रखी है, बल्कि एक खास परिवार में जन्म लेने के कारण आपको यह सुविधा मिली है। और राज्य मंत्री परिषद के कैबिनेट मंत्री के समान आपको तमाम सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन आपने जो आचरण पेश किया, यह निश्चित रूप से मान्य परंपराओं के विपरीत है। जनहित के सवाल आपको पूछने का अधिकार है, जन सरोकार के विषय को उठाने का अधिकार है, लेकिन अगर परिवार भी चलता है तो उसके कायदे कानून होते हैं। समाज चलेगा, उसका कायदा कानून है, परंपराएं हैं। राज्य भी कायदा कानून से चलता है। इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, और उस संविधान की विहित शक्ति है कानून बनाना, और उस कानून बनाने की जिम्मेवारी विधायिका की रहती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारे लोगों का जो भी मान्य मापदंड है उसके तहत आचरण अपेक्षित होता है। हम यह जानना चाहते हैं, कैबिनेट मंत्री के समान आपको दर्जा प्राप्त है, आपने तो उस दौर को देखा या नहीं देखा मैं नहीं जानता। इको पार्क जहां डंप यार्ड बना रहता था, लोग नाक पर रुमाल लेकर के चलते थे, आप इको पार्क गए, इससे किसी को मतभेद नहीं है। लेकिन इको पार्क के बाहर में लिखा हुआ प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, हथियार लेकर जाना निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप विपक्ष के नेता हैं, आपके सुरक्षा कर्मी हथियार लेकर कैसे इको पार्क में चले गए? माताएं, बहने, अभिभावकगण, अब तो खौफ का दौर है नहीं, लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं इको पार्क में। क्या आपको लगता है कि आपने ये सही आचरण पेश किया है? क्या यह आपका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता था कि अपने सुरक्षा कर्मी को आप निर्देशित करते कि इको पार्क में हथियार लेकर जाना निषिद्ध है? तो हथियार लेकर नहीं जाना चाहिए था? खैर, वह भी आपने किया। आप स्पीकर ऑन कर करके किसको संदेश देना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी?
स्पीकर ऑन कर के आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से बात करते हैं, आप आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी से स्पीकर ऑन करके बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या राष्ट्रीय जनता दल के बेउर जेल में बैठे हुए व्यक्ति जिनको आपने पार्टी के टिकट से नवाजा, क्या उनसे भी बात कर रहे थे तो स्पीकर ऑन था? क्या तिहाड़ जेल में जो आपके राजनीति के शिरोमणि बैठे हुए हैं, क्या उनसे भी बात करते तो स्पीकर ऑन करके? क्या जो बलात्कार के सजा याफ्ता को जिनके परिजन को आपने टिकट दिया, क्या उनसे भी बात कर रहे थे तो स्पीकर ऑन था? ये क्या परिपाटी है भाई? आप संवाद कर रहे हैं समस्या के निवारण के लिए, वो आपको अधिकार प्राप्त है, अपना परिचय भी आप नहीं देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 12 करोड़ लोग जो बिहार के अंदर हैं वो आपकी आवाज को जानते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप मोहम्मद रफी हैं कि आपकी आवाज को सब जान जाएगा? परिचय देना चाहिए, हम फला आदमी बोल रहे हैं। और आपने, आपको राज्य सरकार के खर्च के तहत मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है माननीय तेजस्वी यादव जी? अपने नंबर से आप नहीं बात करते, अपने निजी सहायक के मोबाइल से बात करते हैं? क्या आपके मोबाइल में जैमर लगा हुआ है? यह प्रदत्त सुविधा का इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते? जो राज्य सरकार विपक्ष के नेता के रूप में जो तमाम मान्य सुविधाएं आपको प्रदान किया जाता है, उन सुविधाओं में मोबाइल का भी जो खर्च होता है उसकी जो अधिसीमा तय है वह भी वहन किया जाता है, तो क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा था आपको? तो नीरज कुमार ने कहा है कि आप रफी तो नहीं है कि आपका आवाज पूरा बिहार जानता है? साथ ही उन्होंने भी कहा है कि आपकी सरकारी मोबाइल में जैमर तो नहीं लगा है कि आप अपने मोबाइल से खुद फोन नहीं कर रहे अधिकारियों को? अधिकारी कैसे पहचानेंगे कि आप ही तेजस्वी यादव हैं? और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि आपके ही पार्टी में कई बड़े नेता हैं जिन्हें नेता विरोधी दल बनाना चाहिए, लेकिन आप एक खास व्यक्ति के लड़के हैं और खास परिवार से आते हैं, इस वजह से आपको नेता विरोधी दल बनाया गया है। बिहार की सियासत नीरज कुमार के बयान के बाद कितना गर्माती है, कितना उबाल मारती है भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।